अस्सलाम वालेकुम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है वारिस अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वारिस इन्फो। आज की मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो इंटरमीडिएट के तुलबा के लिए हैं, वो तुलबा जो कि इंटरमीडिएट के इम्तिहानात देंगे। जी हाँ जी, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल के आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। हाँ तो दोस्तों, आपको बताता चलूं कि इंटरमीडिएट के इम्तिहानात जून के महीने में होंगे। शायद कुछ लोगों ने सुना होगा कि इंटरमीडिएट के इम्तिहानात अगस्त में होंगे, तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि इंटरमीडिएट के इम्तिहानात अगस्त में नहीं होंगे, बल्कि मई के महीने में मैट्रिक के इम्तिहानात शुरू होंगे। जी हाँ जी, मैट्रिक के इम्तिहानात ख़त्म होने के बाद इंटर के इम्तिहानात शुरू हो जाएंगे। 12 जून को इंटरमीडिएट के पार्ट सेकंड के इम्तिहानात शुरू हो जाएंगे। जी हाँ जी, 12 जून को इंटरमीडिएट के सेकंड पार्ट के इम्तिहानात शुरू हो जाएंगे। जैसे ही इंटरमीडिएट के पार्ट सेकंड के इम्तिहानात यानी कि 12वीं के इम्तिहानात ख़त्म होंगे, एक या दो दिन के गैप के बाद इंटरमीडिएट के पार्ट फर्स्ट के इम्तिहानात शुरू हो जाएंगे। जी हाँ जी दोस्तों, वो तालिबे इल्म जो इंटरमीडिएट के पार्ट सेकंड में दाखिल हुए हैं पार्ट वन के इम्तिहानात दिए बगैर, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो बहुत ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं, वो भी थोड़ी सी मेहनत करके। जी हाँ जी, आपके एग्ज़ाम्स के मार्क्स जितने भी पार्ट सेकंड में आएंगे, उतने ही आपके पार्ट फर्स्ट में लगाए जाएंगे। तो दोस्तों, थोड़ी मेहनत करें और अपना मुस्तकबिल बनाएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अलविदा लेता हूं और एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। शुक्रिया।